नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मौसम विभाग से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने अपन लेके आते हैं। आज हम इसमें बात करने वाले अगले 24 से 48 घंटों में कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश होने वाली है, साथ में कौन कौन से राज्यों में तेज बारिश के साथ में तूफान के साथ में तेज आंधी आने वाली। अगले 24 से 48 घंटों में कौन कौन से राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, कौन कौन से राज्यों में यहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले। दोस्तों, आप जिस राज्य और जिस जिले से बिलोंग करते हो वो आप जरूर हमारे पास में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके राज्य और आपके जिले से रिलेटेड भी मौसम विभाग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो दोस्तों वो आपके सामने हम सबसे पहले सामने लेके आए। साथ में दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के। बहुत सारे जिलों में मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, धूल भरी आंधी के साथ में तेज बारिश के साथ में यहाँ पर गड़गड़ाती बिजलियों के साथ में बरसात हो सकती है। साथ में बात करें उत्तर भारत के कई राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, पंजाब और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई, और अगले 24 से 48 घंटों में यहां पर बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। साथ में बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के साथ में यहाँ पर आपके बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की आसार है, वो यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर साउथ की बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर केरल और तटीय क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो मानसून का आगमन है वो कुछ जल्द आने वाला है, तो यहाँ पर केरल के तटीय इलाकों में भी मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ साथ में बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी जितने भी जिले हैं उनमें मौसम विभाग ने यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर तेज हवाओं के साथ में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। अगर बात करें दोस्तों जिलों की, तो यहाँ पर हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के साथ में नागौर, सीकर, झुंझुनू के साथ में आपका भीलवाड़ा है, अजमेर है, दौसा, अलवर, कुछ इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। साथ में दिल्ली NCR में भी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी किया गया है, बिजली चमकने के साथ में तेज बारिश होने के आसार जताए गए। साथ में यहाँ पर किसानों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है एडवाइजरी, यहाँ पर मौसम विभाग ने ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी की है। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर मैं बता देता हूं, मौसम विभाग के द्वारा सभी अपनी फसलों को जल्दी से जल्दी, पक्की फसलों को अपनी इकट्ठी करने का जल्दी से जल्दी काम करें, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 या 3 दिनों तक यहां पर भारी बारिश के साथ में ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी जारी की गई। इसके साथ फिर बात करते हैं दोस्तों, यूपी की उत्तर प्रदेश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जिलों में भी मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश होने के आसार जताए गए। साथ में यहाँ पर अगले 2 से 4 दिन तक मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया गया, रेड जोन घोषित किया गया उत्तरी पूर्वी जिलों को। साथ में बात करें हरियाणा के उत्तरी पश्चिमी जिलों के, साथ में पंजाब की बात करें तो पंजाब के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी जिलों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इन राज्यों में भी, जिलों में भी यहां पर अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश के साथ में ओलावृष्टि होने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। साथ में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया, जबकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, मौसम विभाग से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले आपके सामने यहां पर लेके आते हैं। आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो आप हमारे पास में जरूर कमेंट कर दे, ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी मौसम विभाग से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहे। साथ में चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मौसम विभाग